नमस्कार, मैं हूं नंसी शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। तो आज बात छत्तीसगढ़ में अनुपूरक बजट पर बचे सियासी घमासान की करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने 7,329 करोड़ के पहले अनुपूरक बजट में से करीब 4,900 करोड़ रुपए की राशि महतारी वंदन योजना के लिए रखकर महिलाओं पर विशेष फोकस किया है। ये योजना विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई थी। इसके अलावा लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि नियद निलनार पीएम जनमन योजना के साथ ही खेल सुविधाओं आंगनवाड़ी भवन देवगुड़िया के निर्माण उन्नयन इंक्यूबेशन सेंटर शुरू करने जैसी स्कीम में भी छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि वर्ष 2024 और 25 के मुख्य बजट में व्यय का प्रावधान 1,47,446 करोड़ रुपए था। अब प्रथम अनुपूरक बजट का 7,329 करोड़ रुपए मिलाकर कुल बजट 1,54,775 करोड़ रुपए कर दिया है। पहले अनुपूरक बजट में राजस्व व्यय 6,825 करोड़, पूंजीगत व्यय 504 करोड़ और कुल व्यय 7,329 करोड़ है। बजट में लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि की अगर बात करें तो ये निधि आपातकाल के दौरान मीसा कानून के तहत बंद हुए राजनीतिज्ञों को दी जाती है। कांग्रेस सरकार जैसे ही आती है यह निधि बंद कर दी जाती है और जैसे ही भाजपा की सरकार आती है तो इस योजना को फिर से शुरू कर दिया जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ, भाजपा के आते ही इसमें फिर बजट आवंटन किया गया। इस बीच अब अनुपूरक बजट पर बहस भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने यह कहा है कि कांग्रेस ने पिछले 5 साल में 50,000 करोड़ का कर्ज लिया था, लेकिन ये सरकार दिसंबर से लेकर अब तक लगभग 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। पिछले 7 महीनों के कार्यकाल में इनका यह हाल है। विधायक पटेल ने आगे कहा कि महतारी वंदन योजना का गणित मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सीएम साई ट्वीट कर कहते हैं कि 70 लाख महिलाओं के खाते में 650 करोड़ गया, इसमें 50 लाख की कमी होती है। मैंने पता किया तो पता चला कि सरकार पेंशन पाने वाली महिलाओं के 500 रुपए काट रही है। ये महिलाओं के साथ धोखाधड़ी है। जब कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सीएम साय 3 विधानसभा के सीएम हैं, तो पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा कि भूपेश बघेल पूरे 5 साल 1 विधानसभा के सीएम थे, पाटन से आगे विकास बढ़ ही नहीं पाया। इन आरोपों के बीच ये जानना जरूरी है कि बजट में मुख्य फोकस महिलाओं पर आखिर क्यों है और इस बजट से बेरोजगारी की समस्या हल करने में आखिर क्या मदद मिलेगी। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। जी, एक सामान्य परिपाटी के तहत जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें, उसके लिए अनुपूरक बजट लाते हैं। वित्तीय अनुशासन को देखते हुए हमने इसका साइज काफ़ी छोटा रखा था और 7,329 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट आज सदन में हमने प्रस्तुत किया वित्त मंत्री के रूप में। और इसमें से 4,900 रुपये महतारी वंदन योजना, जो हमारी सरकार की का एक सबसे बड़ा कमिटमेंट में से एक है, उसे पूरा करने के लिए 4,900 करोड़ रुपये का प्रावधान है। उसके अलावा जो आवास योजना है, जो हमारी नियद नेलालार योजना जो बस्तर क्षेत्र के लिए है, कि जो रामलला दर्शन योजना के लिए है जो राशि की ज़रूरत थी, जो जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र सेनानी सम्मान के लिए उनके पेंशन के लिए जो प्रावधान हैं, इस तरह के प्रावधानों को हमने शामिल किया है। अनुपूरक बजट लगभग 7,000 करोड़ का है, जिसमें मैक्सिमम पैसा जो है महतारी वंदन योजना के लिए गया है और बाकी रूटीन के काम है। लेकिन आपको याद होगा, मैंने बजट सत्र में कहा था कि ये जो सरकार है, पिछली सरकार को कोसती रही कि पिछली सरकार लगातार कर्ज लेकर छत्तीसगढ़ को डुबा रही है। पिछली सरकार का टोटल कर्ज 5 सालों में 50,000 करोड़ रहा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 7 महीने में इस सरकार ने 25,000 करोड़ का कर्ज ले लिया है और इस अनुपूरक बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस अनुपूरक बजट को अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी को ये लगता है कि छत्तीसगढ़ सिर्फ 3 विधानसभा में। तो दोनों के ही आपने बयान सुने, जहां
कांग्रेस इस अनुपूरक बजट को लेकर लगातार कई सवाल बीजेपी पर खड़े कर रखी है, तो वहीं बीजेपी इस बजट को स्वागत योग्य बता रही है। चलिए इसी पर आज चर्चा भी करेंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय आप सभी का करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर किरण बघेल हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जावेद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे नागेंद्र जी आपके साथ ही। अनुपूरक बजट छत्तीसगढ़ में पेश हुआ है और अगर इस बजट को हम देखें तो कैसे आप इसकी व्याख्या करते हैं, कैसे विश्लेषण आप करेंगे इस बजट का? देखिए, सरकार को जनहित के कार्यों के लिए समय समय पे जो प्रावधान रहते हैं बजट के, उसके तहत सारी प्रक्रियाओं को करना पड़ता है। अभी इस अनुपूरक बजट में भी जैसा कि वित्त मंत्री कह रहे थे कि जो कमिटमेंट किया था वो उनका सबसे पहला लक्ष्य था, इसके तहत तो उन्होंने जो बात की थी महतारी बंधन, उसके लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रावधान किया है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, सिंचाई किसानों के हित में और सड़कों पे के जाल के लिए और तमाम चीजों के लिए 81 विभागों के अलग अलग मत पे उन्होंने एक एक का डिस्क्राइब करते हुए व्याख्या की है कि उसमें भी तमाम उन्होंने प्रावधान किए। बाकी तो ये महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके साथ ही उन्होंने मैं कहना चाहूंगा कि लैंड ऑर्डर को भी व्यवस्थित करने के प्रयास में भी 2 CSP कार्यालयों के लिए भी वित्त की व्यवस्था की बात कही है और राजधानी रायपुर में जो कौशल्या विहार है, जिसे कमल विहार के नाम से जाना जाता है, वहां भी एक थाने के लिए प्रावधान किया है। तो कुल मिलाके बजट में इस तरीके से प्रावधान किया जाता है कि जनहित के कार्य कहीं ना रुके, उनमें किसी भी तरीके की वित्तीय दिक्कतें ना आए और इसको करने के लिए तमाम प्रक्रियाएं जो होती हैं वो सुव्यवस्थित रूप से की जाती है। हालांकि इसको लेके विपक्ष लगातार मुखर हो रहा है कि इसके लिए जो व्यवस्था की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह दिखता है, मद जो दिए जा रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजों की अवहेलना भी की जा रही है, जहां पे जरूरी है वहां नहीं खर्च करके अन्य मदों को प्रायोरिटी के हिसाब से किया जा रहा है। और खास तौर पे कांग्रेस के जो विधायक हैं उमेश पटेल, उन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया कि मैं 7 महीने में सरकार जो है सीधे सीधे 29,84,00,000 के कर्ज में चली गई है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके की बयानबाजी भी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, यानी कि जहां इस बजट को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया है, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। जावेद जी, आपकी ओर मैं रुख करना चाहूंगी। आप विपक्ष में होने के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते इस बजट को कैसे देखते हैं? क्या इस बजट से एक आम नागरिक खुश है या इस बजट से विपक्षी पार्टी खुश है? नमस्कार नैन्सी जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, छत्तीसगढ़ की के बजट की बात हो या देश के बजट की बात हो, आम नागरिक के हाथ खाली के खाली ही रह गए। वहां देश के बजट में अगर आप देखेंगे तो अपनी बैसाखियों को बचाने के लिए जिन राजनीतिक दलों के समर्थन से सरकार बनी है, मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं, उस बैसाखी को बचाने के लिए वो बजट पेश किया गया, उन राज्यों को भर भर करके पैसा दिया गया। और छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी तरह का आम नागरिकों के लिए कुछ नहीं है। महतारी वंदन योजना के नाम पर अनुपूरक बजट का 60% उसमें दे दिया जाता है। बावजूद इसके आज रायपुर में कुछ दिन पहले ही महिलाओं ने रैली निकाल करके अपना विरोध प्रदर्शन किया था कि उनके खातों में महतारी वंदन योजना का पैसा नहीं आ रहा है। कई महिलाओं ने यह आरोप लगा चुका है कि 2 महीना का पैसा आया, उसके बाद से पैसा आना बंद हो गया है। तो ये महतारी वंदन योजना के नाम पर पूरा 60% वहां दे रहे हैं। उसके अलावा कुछ इनके पास में नया नहीं है और ऑलरेडी ये 29,000 करोड़ रुपया कर्ज ले चुके हैं 7 महीना में। और जिस रफ्तार से ये कर्ज ले रहे हैं उस रफ्तार से तो ऐसा लगता है कि 1 साल के अंदर में कांग्रेस के 5 साल में लिए गए कर्ज का रिकॉर्ड ये तोड़ देंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ओपी चौधरी जी ने कहा कि कमिटमेंट, तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के समय में कमिटमेंट था, प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी थी, जिसे ये गारंटी कहते हैं। उस गारंटी का भी मैं जिक्र करता हूं, 450 रुपया में महिलाओं को सिलेंडर देने की बात इन्होंने गारंटी में कही थी।
इस अनुपूरक बजट में और पूरे बजट में कहीं उसका उसका जिक्र तक नहीं है। उसके अलावा उसी उसी चुनाव में ये सस्ती बिजली उप मुहैया कराने की इन्होंने बात कही थी, बिजली की दरों को ये बढ़ा रहे हैं, उन्हीं महतारी बहनों के घर से एक एक युवा को नौकरी देने की बात इन्होंने कही थी, और ओपी चौधरी जी जो वित्त मंत्री है जिनका वीडियो वायरल होता है जो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि क्या सबको नौकरी मिल जाएगी, सरकार के पास पैसा नहीं है कि सबको नौकरी दे दे, छोड़ो यार क्यों परीक्षा की बात कर रहे हो, क्यों परीक्षा करवाने की बात कर रहे हो, तो इस तरह की बात करके ये महिलाओं को भी ठगने का काम कर रहे हैं, प्रदेश को भी ठगने का काम कर रहे हैं। आवास योजना पर ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अभी सदन में ही उप मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा प्रश्नकाल में, जब भूपेश बघेल जी ने उनसे स्पष्ट पूछा कि अब तक कितने आवास आवंटित किए गए, कितने आवासों का पैसा दिया गया, स्पष्ट उन्होंने कहा कि एक भी नहीं। तो पूरे प्रदेश में करोड़ों रुपया 18.5 लाख प्रधानमंत्री आवास के नाम पर ये खड़े कर रहे हैं, खाली होर्डिंग में कागजों में इनका विकास दिख रहा है और हकीकत में छत्तीसगढ़ राज्य को ये कर्ज में डुबोते चले जा रहे हैं। इस बजट से मैं एक आम नागरिक होने के नाते मैं आपसे कहूं कि मुझे तो बहुत निराशा हाथ लगी है, क्योंकि इस बजट में ना तो बस्तर के लिए कुछ है, ना सरगुजा के लिए कुछ है। ये नीला नेल्सन आर के नाम से ये जो चीज कर रहे हैं भाई, ये तो 5 साल पहले हमने कर दिया था, सामाजिक पुलिसिंग के माध्यम से बस्तर सरगुजा जैसे क्षेत्रों में नक्सलवाद को कम करने के लिए हमने जो विकास कार्य किए थे, ये सारी चीजें तो हो चुकी है। उसके बाद में ये सिर्फ दिखावा, उसके ऊपर जो हमने बनाया है उसके ऊपर रंग रोगन करके ये अपनी अपना श्रेय लेने के लिए उसमें पैसे को वो कर रहे, मतलब कुल मिलाकर के पैसे की बर्बादी और छत्तीसगढ़ के हाथ में केवल खाली के खाली करने का कार्य ये सरकार कर रही है। जवाब ले लेते हैं, किरण जी हमारे साथ में लगातार जुड़ी हुई है। किरण जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जावेद खान जी की आप बात सुन रही होंगी, जहां उन्होंने कई सारे आरोप भी लगाए हैं, एक एक कर उनसे उन सभी पर आपसे मैं जवाब लूंगी। शुरुआत हम कर लेते हैं, उनका ये कहना है कि जो कांग्रेस का बजट था उसी पर ही बीजेपी रंग रोगन कर लेकर आई है, कुछ नया नहीं लेकर आई है। देखिए नैन्सी जी, अभी कांग्रेस के पास सिवाय आरोप लगाने की, सिवाय गलतियां निकालने के लिए कुछ रहा नहीं है कुछ करने को, इसलिए हताशा में पिछले विधानसभा और लोकसभा की लगातार हार की हताशा में सिर्फ बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है और इनके पास अभी कुछ काम रहा नहीं। रही बात नैन्सी जी, जो आज के वित्त मंत्री आज के सदन में हमारे वित्त मंत्री ने जो अनुपूरक बजट लाया जो बहुत ही स्वागत योग्य है, जिसमें महिलाओं के लिए बस्तर और नक्सलाइट प्रभावी एरियों के लिए और बहुत सारी ऐसी योजनाएं के लिए तहत बहुत सारे मध्य की घोषणा की गई है जो बहुत स्वागत योग्य है। लेकिन किरण जी, सबकी निगाहें इस अनुपूरक बजट पर इसलिए आकर इतनी गड़ गई हैं क्योंकि अनुपूरक बजट लगभग 7,329 करोड़ का और इसमें से महतारी वंदन योजना के लिए 4,900 करोड़ रुपए दे दिए गए। हाँ बिल्कुल नैन्सी जी, जो वादा हमने महिलाओं से किया था, जो विश्वास हमने उनका जीता था, उनका उसे पूरा करना हमारा पहली प्राथमिकता थी और हमारे ये प्रमुख वादे थे। तो मुझे लगता है ये कोई नई बात नहीं है, कोई सरकार कर्ज ले रही है, खुद बढ़ती सरकारों ने भी लिया है और आने वाली सरकारें भी लेंगे। बट बात ये है कि पहले की जो कांग्रेस की सरकार थी, कर्जे लेकर वो अपने जेब भरने का काम करती थी और सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार कर देती थी, चाहे वो शराब घोटाले की बात कर ले, पठान घोटाले की बात कर ले, गोबर घोटाले की बात कर ले। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार, भाजपा की छत्तीसगढ़ सरकार यदि कर्ज ले रही है तो जनता के तैशी होने के लिए ले रही है, जनता के लिए ले रही है और जनता के हित में खर्च कर रही है। जावेद जी तो लेकिन ये कह रहे हैं कि कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने प्रदर्शन भी किया था कि उनके सिर्फ 2 महीने तक ही उनके खातों में पैसे आए, उसके बाद पैसे ही नहीं आए। इस प्रकार दिग्भ्रमित करके इनके ही एक नेता ने महिलाओं को ले जाकर प्रदर्शन करवाया था दिग्भ्रमित करते हुए, जबकि महिलाएं पूरी तरह खुश है, संतुष्ट है, सबके बैंक के खाते में पैसे आ रहे हैं डीबीटी के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को दिग्भ्रमित का काम करने का काम तो ये ना करें। और जिसका ताजा उदाहरण लोकसभा में जिस प्रकार महिलाओं ने भर भर कर वोट दिए, तो नैन्सी जी इनका जो झूठ का जो जालसाजी है मुझे लगता है ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है, बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जिसका परिणाम आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में हम देख सकते हैं।
ठीक है जावेद जी, कुछ कहना चाह रहे हैं, जावेद जी बात रखिएगा अपनी। नैन्सी जी, अभी साथी प्रवक्ता वरिष्ठ प्रवक्ता है किरण जी ने बहुत घुमा फिरा के लाव लपेट करके योजनाओं के बारे में बताया, अपने बजट की बढ़ोतरी के बारे में बताया और उसकी वाहवाही की। मैं उनसे पूछता हूं कि इन्होंने कहा कि 60% से ज्यादा हिस्सा क्योंकि हमारी कमिटमेंट थी, हमारा वादा था, इसलिए हमने दे दिया, तो क्या ये वो वादा भूल गए हैं जिसमें 450 रुपया गैस सिलेंडर भी महिलाओं को देने का किया गया था? ये वादा तो महिलाओं से ही किया गया था ना, पुरुषों से तो नहीं किया गया था। सुन लीजिए, आपने अभी तक तो उसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया है, जब पूरा होगा तब कहिएगा, लेकिन अभी तो नहीं है वो। दूसरी चीज, आपने कहा कि महिलाओं को बरगला करके लेकर के गया था। एक बात बताइए, मैं एक आम नागरिक के हैसियत से आपसे पूछता हूँ, अगर आपके खाते में बराबर पैसे आ रहे हैं तो देश की महिलाओं को आप इतना ना समझती है कि कोई बरगला के ले जाए और उठ के चले जाएंगी? किस तरह की आप खुद एक महिला होकर के सोच रख रहे हैं, बरगला के कैसे ले जाएंगे? प्रदेश की महिलाएं थी ना, बिना जब उनके खाते में पैसा आ रहा है तो वो कैसे चले जाएंगी? ये आप दूसरी चीज। तीसरी चीज, इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो कर्जा लिया उसको अपने घी पीने के लिए लिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ किरण जी, कांग्रेस ने जो कर्जा लेकर के जो अपना बजट बनाया था वो 1 लाख के ऊपर जो लेकर के गया, उसे पूरे ब्याज के साथ में उसको चुकाने का भी कार्य किया, और उसका प्रमाण भारत सरकार है। भारत सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल से चल रही है ना, पिछले 5 साल में हमारे समय में उसी सरकार ने 54 पुरस्कार छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को दिए थे, जिसमें 12 पुरस्कार तो वित्तीय विभाग के थे, वित्तीय कार्यों के थे। तो हमारे कार्यों में कहीं ना कहीं भारत सरकार को, मोदी सरकार को वित्तीय कार्यों में कुछ अच्छा लगा, इसीलिए तो उन्होंने 12 पुरस्कार से हमें पुरस्कृत किया। या फिर आप बताइए कि केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार इतनी ना समझ है, आप कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हम पूरे पैसे को खा रहे हैं और केंद्र की सरकार हमें पुरस्कृत पे पुरस्कृत किए जा रही है, ये कैसी सोच है? ठीक है जावेद जी, जवाब ले लेते हैं। उनसे भी जवाब ले लेते हैं, आपने भी अपनी बात रखी किरण जी, उनका ये कहना है, उनने कई सारे सवाल इससे पहले भी खड़े किए थे इस अनुपूरक बजट को लेकर ही, और अब भी उनका यही कहना है कि अगर कांग्रेस ने कर्ज लेकर अपनी जेब भरी थी तो उस समय उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उस समय उसको इतने पुरस्कार क्यों दिए गए? बिल्कुल नैन्सी जी, कार्रवाई की गई। आज सौम्या चौरसिया जेल से बाहर नहीं आ रही, वो किसका नतीजा है? अनिल टुटीजा जी जो उस पर केस चल रहा है वो अब किस हमारे ही जांच का नतीजा है। यहाँ के महापौर एजाज देवर के भाई पर जो इल्जाम लगे, जो उनके पर चार्जशीट जारी की गई, वो किसका नतीजा? ये हमारे जांच का ही पार्ट है। और जिस प्रकार महादेव सरकार ने हमारी ही सरकार की जांच का ही नतीजा है, लगातार हम इनकी तरह नहीं तो सरकार में रहे, सरकार में आने से पूर्व आपकी स्कूल मुख्यमंत्री कहा करते में डालेगी कि धीरेन भाटी के शत्रु में गेट में है, 5 साल सरकार रहा जावेद जी, आपको मौका दिया था बोलने का, किरण जी को उनकी बात रखनी दीजिए, और मुझे लग रहा है कि शायद हम अब विषय से थोड़ा भटकते जा रहे हैं। अनुपूरक बजट पर वापस मैं आ जाती हूँ, उसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा आपसे रहेगा किरण जी, इस पूरे अनुपूरक बजट को अगर हम देखें तो इस अनुपूरक बजट में जो मुख्य फोकस था वो महिलाओं पर किया गया था। इस बजट में जहां जो जावेद जी ने भी शुरू में सवाल उठाया था कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में एक और वादा किया था कि हर घर से एक युवा को सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो इस बजट में युवाओं को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया, युवाओं पर कोई फोकस नहीं किया गया, तो क्या ये मान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है अभी, बीजेपी की सरकार है, वो महिलाओं को लेकर ज्यादा सॉफ्ट है? जी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है नैन्सी जी। अभी हमारे वित्त मंत्री ने कुछ दिन पूर्व जो नया रायपुर में उसको आईटी सेक्टर के हब के रूप में विकसित करने की बात हुई, और अभी जो केंद्र की वित्त आयोग की टीम आई थी उनसे भी बहुत सारे आर्थिक सहायता की भी मांग रखी गई है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में नया रायपुर जो की आईटी हब के रूप में विकसित होगी उसमें। लेकिन सरकारी नौकरी का वादा किया गया था, सरकारी नौकरी का वादा किया था उन्होंने, ये कहा था कि हर परिवार से एक युवा को सरकारी नौकरी दी जाएगी हमारी सरकार को। धीरे धीरे सारे वादे पूरे कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत जल्दी होगी, इट विल बी वेरी
अर्ली टू जंप इन दिस कैलकुलेशन कि 6 माह में हम सारे वादे पूरे कर ले, कुछ समय लीजिए, 6 माह हुए हैं, जितने प्रमुख वादे पूरे किए धीरे धीरे हम सारे वादे पूरे करेंगे। जो जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा पे विश्वास किया है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, हम सबसे जिनसे भी जो वादे किए हैं पूरे करते जाएंगे, समय दीजिए। ठीक है, एक और मैं सवाल ले लेती हूँ, जावेद जी का ही ये सवाल था। इसके पहले अगर आपने बयान सुना भी हो तो जो बाइट कांग्रेस के नेता की सामने आई थी उसमें ये उन्होंने कहा था कि जो सीएम विष्णुदेव साय हैं वो ऐसा लगता है कि महज सिर्फ 3 विधानसभाओं के ही सीएम रह गए हैं, उन्हें अन्य विधानसभाओं से कोई अब इतना सरोकार ही नहीं है। देखिए इनके शासनकाल में क्या हो रहा था, आप तो खुद आप सब छत्तीसगढ़ की जनता से छुपी नहीं बात है, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्षेत्र का विकास हो रहा था, वो था पाटन का। बाकी सारे विभागों की बात करें तो इनके ही पंचायत मंत्री ने ये कह के इस्तीफा दे दिया था कि हम छत्तीसगढ़ की जनता को आवास मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। पूरा कोरोना काल बीत गया था, नैन्सी जी इनके स्वास्थ्य मंत्री का अता पता नहीं था। इनके गृह मंत्री की बात करें तो वो भी पूरे 5 साल कहाँ लापता रहे, ये छत्तीसगढ़ की जनता जान रही किस प्रकार वन मैन शो और वन मैन आर्मी की तरफ भगेश सरकार चली है। सिर्फ और सिर्फ उनके इनके ही पीएचई मंत्री गुरुद्र गुरु जी का टेंडर इनके मुख्यमंत्री ने पास होने नहीं दिया, रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो समय का अभाव है, किसकी शरी? समय का अभाव है, जावेद जी से भी अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जावेद जी संक्षिप्त में दीजिएगा, समय का अभाव है। देखिए नैन्सी जी, अभी आपने इनसे रोजगार के बारे में पूछा, ये बता नहीं पाई कि रोजगार कैसे देंगे, और ये यह कह करके अपना पल्ला झाड़ दी कि अभी तो 6 महीने ही हुए हैं, अभी और हमें समय दीजिए। तो आप स्पष्ट करके एक प्रेस वार्ता बुला लीजिए कि अभी हमारा हनीमून पीरियड चल रहा है, अभी वो हनीमून पीरियड सरकार का खत्म नहीं हुआ, जब हनीमून पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद आप सवाल कीजिएगा, तो फिर शायद विपक्ष भी आपसे सवाल नहीं करेगा, फिर वो विधानसभा का सत्र भी चलाना कोई मतलब का नहीं है क्योंकि वहां भी सवाल होते हैं, फिर आप वहां पर भी यही जवाब दे दीजिए कि अभी तो हमारे को सिर्फ आए 6 महीने हुए हैं, हम नहीं कर पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, गैस सिलेंडर भी एक वादा था, उस पर भी आपने इनसे सवाल पूछा, मैंने भी पूछा, उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रोजगार पर हमने पूछा, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। आवास पे हमने पूछा, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। तो जो महत्वपूर्ण चीजों को लेकर के ये चुनाव में गए थे और जिसके बलबूते ये चुनाव जीते हैं, उन सारी चीजों को कहां पूरा कर पा रहे हैं? ये मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी कह रहे थे, वो मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से धराशायी हो गई है। और अभी समय का अभाव है, समय का अभाव है, हो जाए विधानसभा का। नागेंद्र जी से भी ले लेती हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। नागेंद्र जी आपसे मेरा सवाल रहेगा, आपने दोनों ही पक्षों की बातें सुनी है और जो अनुपूरक बजट छत्तीसगढ़ में आया है वो भी आपने देखा, कहीं ना कहीं युवा इस बजट से नदारद हमें देखने को मिले हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या छत्तीसगढ़ की सरकार का झुकाव महिलाओं की तरफ ज्यादा है? नैन्सी जी, बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि प्रदेश में महिला वोटर्स की संख्या जो है बहुत ज्यादा है और बीजेपी जो है नारी सशक्तिकरण के पक्ष में नजर आ रही है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि बजट जो प्रावधान होता है उसमें जमीनी स्तर पे चीजों को करने की कोशिश की जाती है, तो इसमें मुख्य तौर पर हम इस बजट पे देख रहे हैं कि जिन बड़े शहरों में हम औद्योगिक क्षेत्र है जहां प्रदूषण की समस्या है वहां ई बस चलाई जा रही है, सड़कों का थोड़ा सा जाल बिछाया जा रहा है, सीवरेज लाइंस पे भी काम किया जा रहा है, नक्सल क्षेत्र में भी जन सामान्य को अच्छी सुविधाएं मिल सके और निरापद भयहीन जीवन जी सके, इसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। तो एक वो चीज तो है। दूसरी चीज, युवाओं के लिए हम एकदम से नहीं कह सकते कि उनके लिए सरकार काम नहीं करेगी, और युवा जो है वो वोटर्स है तो स्वाभाविक रूप से उनकी अपेक्षा है, और जैसा जावेद जी कह रहे थे वो चिंता तो स्वाभाविक है क्योंकि जितना विलंब होता है कई लोगों की नौकरी करने की जो उम्र समय सीमा है वो भी खत्म होती है तो वो निराश होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेके मुझे लगता है कि सरकार भी गंभीर होगी ही, और दूसरी चीज ये है कि प्रतिपक्ष जो है वो इनके लिए लगातार सवाल उठा सकता है, और विधानसभा का औचित्य ही यही है कि 90 विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधि जो है वो जनता की ही चिंता और समस्याओं को लेके ही यहाँ मुखर होते हैं, तो इन चीजों से विपक्ष भाग नहीं सकता। जी, जी बिल्कुल, यानी कि कई जावेद जी आपसे सवाल नहीं ले पाऊंगी चूंकि हमारा समय अब समाप्त हो चुका है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो लगातार अनुपूरक बजट पर जहां अब सियासत छत्तीसगढ़ में अब बढ़ती ही जा रही है और देखने वाली बात होगी कि अब ये सियासत की आंच आखिरकार इस बजट पर अब और कितनी तेज होगी और किस किस के आने वाले समय में प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आती है। बहुत शुक्रिया, फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए नादी टीवी के साथ, नमस्कार।